हेलो दोस्तों, आज हम आपको केतन मेहता सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। केतन मेहता सर ने 1984 में आई मूवी भोले से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। 1987 में केतन मेहता सर की मूवी आई मिर्च मसाला। इस फिल्म के लीड कास्ट में नसरुद्दीन शाह, समिता पटेल, ओमपुरी, सुरेश ओवर रॉय, दीप्ति नवल शामिल थे। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1988 में केतन मेहता सर की मूवी आई हीरो हीरा लाल। इस फिल्म के लीड कास्ट में नसरुद्दीन शाह, संजना कपूर, किरण कुमार, दीपा सही शामिल थे। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1993 में केतन मेहता सर की मूवी आई माया मैम साहब। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपा शाही, शाहरुख खान, फारूक शेख, राज बब्बर, परेश रावत शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1994 में केतन मेहता सर की मूवी आई सरदार। इस मूवी ने पूरी दुनिया में कमाए 14,25,000। इसके साथ यह मूवी ब्यास्टर रही। 1995 में केतन मेहता सर की मूवी आई ओहो डार्लिंग ये है इंडिया। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,96,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,21,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डायस्टर रही। 1997 में केतन मेहता सर की मूवी आई आर्या पार। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,40,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डायस्टर रही। 2005 में केतन मेहता सर की मूवी आई मंगल पांडे। इस मूवी का बजट 37,00,000 रहा। भारत में कमाई 39,92,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 52,57,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2014 में केतन मेहता सर की मूवी आई रंगरसिया। इस मूवी का बजट 12,00,000,000 रहा। भारत में कमाई 4,76,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,37,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डायस्टर रही। 2015 में केतन मेहता सर की मूवी आई माजी द माउंटेन मैन। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 13,53,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 17,24,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। दोस्तों, आपको केतन मेहता सर की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।